कराची के इलाके आजम बस्ती में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक नौजवान जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। सीसीटीवी वीडियो में दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को कार से उतरने वाले शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। कार में सवार दूसरे शख्स ने भी मुलजमान पर फायरिंग की। मकतूल के भाई का कहना है कि सलमान को धमकियां मिल रही थी, उसे ताकुब के बाद कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक जाए वाकयात से गोलियों की एक दर्जन से ज्यादा खोल मिली है। मुलजमान की फायरिंग से जहां भग नौजवान की शिनाख्त सलमान के नाम से हुई है, जबकि उसका दोस्त कामरान जख्मी हुआ है। मकतूल के भाई आसिफ ने बताया कि भाई कार में से उतरकर घर आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार दो मुलजमान पहुंच गए। मुलजमान ने कामरान पर एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों के निशान गली की दीवारों और दरवाजों पर भी है। मकतूल के भाई आसिफ का कहना था कि कुछ अरसे पहले सलमान को मक्सी ग्रुप ने मुबैना धमकी दी थी।